हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो। आज मैं फेसियल और ब्लीच करके आप सभी से शेयर करूंगी मैं कैसे करती हूँ घर में। और मैं हमेशा फेसियल घर में ही करती हूँ, मैं पार्लर में नहीं जाती हूँ। और मेरा फेसियल किट है पपाया फेसियल किट है, मैं पपाया का यूज करती हूँ। दो दो ढाई साल हो गया है पपाया फेसियल किट यूज करते हुए, तो मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला है, तो मैं दूसरा नहीं करती हूँ। और मैं गोल्ड का ब्लीच करती हूँ, ये भी बहुत साल हो गया ब्लीच करते हुए, तो ये मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इतना गोरी नहीं करते है, जो ये हेयर है वो कलर चेंज हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। और मैं पहले ब्लीच अप्लाई करूंगी, उसके बाद फेसियल करूंगी। ब्लीच अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मुंह अच्छा से क्लीन करके फिर मैं फेसियल करूंगी। तो चलिए पहले मैं ब्लीच लगा लेती हूँ। ये मैं 2 चम्मच लेंगे, तो ये 1 चम्मच लेना है। जितना मतलब पूरा मुख में लगाना है तो 2 चम्मच में हो जाएंगे, और गद्दन में लगाना है, पीछे लगाना है तो और थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो मेरे इधर नहीं लगाना है, बस इतना ही लगाना है खाली। तो मैं पहले लेके अप्लाई कर लेती हूँ। इसके साथ 1 चम्मच मिलता है जो मेरा बेटी ने फेंक दिया, तो मैं एक आइडिया से ही ले लेंगे। क्योंकि 1 चम्मच, एक छोटा एक साइड छोटा एक साइड बड़ा आता है, तो बड़ा साइड से 2 चम्मच ले लो और छोटा साइड से 1 चम्मच ले लो। लेकिन वो चम्मच मेरा बेटी फेंक दी, एक दिन और किया था ना, तो बस डाइनिंग टेबल के ऊपर छोड़ दिया था तो फेंक दी, पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। तो मैं एक आइडिया से ले लेती हूँ। ये ज्यादा नहीं लेना है, एक कम लेना है, छोटा चम्मच से 1 चम्मच लेना है। और इसका सहारे से मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, अच्छे से मिला लेना है। मिला लिया अच्छे से, और मैं हाथ से ही लगाऊंगी। मैंने अप्लाई कर लिया, अभी 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। और ये ब्लीच अप्लाई करने के पहले मैं मुंह अच्छा से क्लीन कर लिया था फेस वॉश से, उसके बाद में ब्लीच अप्लाई किया। कुछ भी मतलब फेसियल करो, ब्लीच लगाओ, पहले मुंह क्लीन करना बहुत जरूरी है। जो फेस वॉश आप यूज करते हो वो फेस वॉश से अच्छे से मुंह पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद लगाना। और 15 मिनट के बाद मैं अच्छे से क्लीन करके आएंगे, उसके बाद मैं फेसियल का एक एक स्टेप बताऊंगी। और इतना अच्छे से मुझे पता नहीं है, जितना मुझे पता है वो आप सभी को शेयर किया। हो गया 15 मिनट, अभी दोनों हाथ से ना ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा, 2-4 मिनट के लिए। अभी मैं मुंह धो के आती हूँ। मुंह अच्छे से क्लीन करके मैं आ गई, और ऐसे कॉटन का हैंगी से अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। अभी मैं फेसियल अप्लाई करूंगी 2-4 मिनट के बाद, क्योंकि अभी अभी मैं ब्लीच किया है, तुरंत कर सकते हो, थोड़ा टाइम के बाद मैं करूंगी। 5 मिनट हो गया, मैं मुंह धो के आई थी। और ये है पपाया फेसियल किट, ये स्टेप बाय स्टेप है, 1 है 2 है 3 4 5। तो मैं एक एक करके अप्लाई कर लेती हूँ, और हर एक स्टेप कैसे भी करो, बस ऊपर की तरफ ऐसे उठाना होता है। कोई भी फेसियल में मतलब जब फेसियल खुद से करो तो ऐसे नीचे नहीं करना है, स्किन को ऐसे के ऊपर के तरफ लेना है। तो अपना मर्जी से ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी करो, लेकिन ये ऊपर के तरफ लेना पड़ता है। ये पहले वाला है, फर्स्ट मैंने डाल लिया ये हाथ में, और थोड़ा ले लेते। और इसमें थोड़ा गुलाब जल मिला के फिर मुख में अप्लाई करूंगी। और अभी मैं ब्लीच किया तो ये 2-3 मिनट ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और जब ब्लीच नहीं करते हो तो 4-5 मिनट तक अच्छा से उसको मसाज करना है। एकदम हल्का हाथों से करना है, एकदम हल्का हाथों से। 2-3 मिनट, अभी मैं मुंह पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वही एक मैं थोड़ा पानी लेके बैठी हूँ, कॉटन का कपड़ा लिया, हो गया है अच्छा से क्लीन कर लिया। अभी मैं दूसरा अप्लाई करूंगी, दूसरा पहले मैं निकाल लेती हूँ। ये 2 है, इसको भी ऐसे करके लेंगे। पहले अच्छे से लगा लूंगी। हो
5 मिनट तक मैं ऐसे कर लेती हूँ। 5 मिनट अभी मैं दोबारा क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो जगह है ना, ये ज्यादा मतलब मुख से थोड़ा काला ज्यादा होता है, तो इसको अच्छा से क्रीम लगा के करना है। हो गया क्लीन। अभी मैं तीसरा अप्लाई करती हूँ। ये तीसरा है, तीसरा अभी मैंने लगा लिया है और पूरा पैकेट खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं 15-20 दिन के बाद दोबारा कर लूंगी और अच्छा से इसको पैक करके रखेंगे। ऐसे करेंगे। दस मिनट तक मैं अच्छा से कर लेती हूँ और ये मैं 10 मिनट करूंगी। ये 4 नंबर पैक मैंने अप्लाई कर लिया। अभी 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ये ड्राई जब तक ना हो जाए। और लास्ट जो दिया हुआ है, पहले इसको अच्छे से सूख जाए, उसके बाद लास्ट लगाएंगे। 5 नंबर जो है, एक जेल दिया हुआ है। और ये पपाया फेसियल ना अच्छा होते हैं, और पिंपल के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पिंपल नहीं आते हैं। ये पैक सूखने का वेट कर लेती हूँ मैं। ड्राई हो गया है, मैं इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद 5 नंबर लगाए छोड़ देना है। थोड़ा टाइम मसाज करके छोड़ देना है, तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। हो गया, मुंह अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। अभी ये 5 नंबर लगा लेती हूँ मैं। कुछ टाइम 2-4-5 मिनट तक इसको ऐसे मसाज करना है। ये लास्ट है, पपाया किट का फेशियल ये लास्ट है। हो गया है, अभी फिर दोबारा मैं मुंह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरा हो गया है, ब्लीच भी कर लिया और फेशियल भी मेरा हो गया। ऐसे में फेशियल घर में करती हूँ, वही आप सभी को शेयर किया। और जो पपाया का फेशियल मैं करती हूँ, वही आप सभी को दिखाया। और आप सब जो फेशियल करते हो वो खुद से कर सकते हो, पार्लर में ना जाके भी फेशियल हो सकता है। घर में मैं पहले ही बताया, फेशियल कैसे भी करना है, बस ऊपर के तरफ लेना है, ये स्किन को नीचे की तरफ नहीं लेना है। फिर फेशियल का स्टेप आप कुछ भी कर लो तो वो अपने आप से हो जाता है, बस नीचे की तरफ नहीं लेना है। और आई होप आपको अच्छा लगे मेरा फेशियल करना, जैसे मैं करती हूँ ऐसे आप सभी को शेयर किया। और फेशियल करने के बाद ही रिजल्ट पता नहीं चलता है, कम से कम 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। फिर भी जब पहले मैं शुरुआत किया था और अभी का मुख बहुत चेंज है, और 2 दिन के बाद और अच्छा होता है। फेशियल के बाद आप मुख में साबुन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है 2 दिन तक। अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, मैं बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। बाय।